मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने हाल ही में हुए नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर कहा है कि कम मतदान अच्छा नहीं है, लेकिन इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। गोविंद सिंह का दावा है कि प्रदेश सरकार से लोग नाराज हैं, इसलिए वोट डालने नहीं निकले। उन्होंने ये भी दावा किया है कि सभी निकायों पर कांग्रेस की ही जीत होगी। डॉक्टर गोविंद सिंह से बात की हमारे संवाददाता नासिर गौरी ने। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में जो वोटिंग का परसेंटेज रहा है वो कम रहा है, उसी को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ में डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं। सर, कैसे देखते हैं वोटिंग परसेंटेज, किसके फायदे हैं, किसका नुकसान? सवाल इसका है, वोटिंग परसेंटेज जो गिरा है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, पूरे प्रदेश में फैले हुए भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी महंगाई से, महिलाओं के ऊपर अत्याचार से, नाराजगी के कारण लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया या कम मतदान किया है। लेकिन इसका फायदा किसको मिलने वाला है? क्या अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस उम्मीद लगाई हुई है कि इसका फायदा उनको मिलने वाला है? मुझे पूरी उम्मीद है ये नाराजगी का, सरकार के विरुद्ध जो नाराजगी है उसका वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है और हमें उम्मीद है कांग्रेस पार्टी इस बार बहुमत प्राप्त करेगी। 25 जुलाई से विधानसभा का सत्र स्टार्ट होना था, अभी भी संचय बना हुआ है कि होगा कि नहीं होगा? आपने कुछ कहा है कि आगे बढ़ाया जाए या क्या, और इस बार आप जाने वाले हैं, किन मुद्दों को उठाने वाले हैं, क्योंकि 1100 से ज्यादा विधायकों ने प्रश्न लगाए? सवाल इस बात का है, जो प्रश्न लगाए हैं वो प्रश्न यथावत रहेंगे। इसमें मैंने स्वयं सहमति दी है कि उसी दरमियान विधानसभा का सत्र है, केवल 5 दिन का सत्र है, और उसी दरमियान नगरीय प्रशासन और सरकार और ग्रामीण सरकार के जनपद जिला पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव होना है। उन निर्वाचन में अधिकांश लोग अब जो विधायक हैं अपने क्षेत्र में रहना चाहते हैं, और उस समय केवल 5 दिन का सत्र, उसमें अनेक साथी हमारे भाग नहीं ले पा रहे, इसलिए सत्र बढ़ाने का प्रस्ताव पर सहमति मेरी भी है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी हैं और उनका कहना है कि जो नगरीय निकाय चुनाव में जो मतदान का जो परसेंटेज रहा है वो भले ही कम रहा है, लेकिन उसका फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को मिलने वाला है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC.com ग्वालियर।